सन्यास की अटकलों पर गेल ने लगाया बैकफुट पंच, कहा मैंने सन्यास की घोषणा नहीं की। विंडीज के ताबड़तोड़ सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने भारत के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के बाद कहा है कि उन्होंने अब तक क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। गेल सीरीज के आखिरी मैच में 301 नंबर की जर्सी पहनकर उतरे थे, जो उनके करियर में खेले एक दिवसीय मैचों की संख्या है। वह 301 खेलने वाले वेस्ट इंडीज के एकमात्र क्रिकेटर हैं। गेल ने 41 गेंद में 72 रन की पारी धमाकेदार पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। गेल विंडीज पारी के 12वें ओवर में आउट हुए, जिसके बाद उन्होंने अपना हेलमेट उतारकर बल्ले के हैंडल के ऊपर रखा, जिससे संकेत गया कि यह उनका अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है। गेल ने हालांकि मैच के बाद संन्यास की बातों को खारिज कर दिया कि यह उनका विदाई मैच था। क्रिकेट वेस्ट इंडीज द्वारा पोस्ट वीडियो में जब उनके एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई घोषणा नहीं की है संन्यास की। यह पूछने पर कि क्या वे खेलते रहेंगे, इस पर गेल ने कहा कि हाँ, अभी वह आगे खेलते रहेंगे। गेल ने इससे पहले घोषणा की थी कि इंग्लैंड में खेला जाने वाला विश्व कप उनका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा, लेकिन बाद में उन्होंने इरादा बदल दिया। विश्व कप के दौरान उन्होंने कहा कि वे भारत के खिलाफ घरेलू एक दिवसीय और टेस्ट श्रृंखला खेलना चाहते हैं, जिससे संभवतः उन्हें किंग्सटन में घरेलू मैदान पर विदाई टेस्ट खेलने का मौका मिलता। गेल को हालांकि टेस्ट टीम में नहीं चुना गया, जिससे संकेत गए कि बुधवार को तीसरा वनडे उनका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच था। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने शानदार पारी खेली और हमें बेहतरीन शुरुआत दिलाई।